और आज हम ऐसे घूमने के लिए आए हैं क्योंकि हमारी जो ट्रेन है ना, तो अगर आपको सोमनाथ घूमने आना है रीजनेबल प्राइस में आपको चाहिए तो आपको ना गाइस किसी को पता है कि ये किस तरह से निकाले जाते हैं तो मुझे कमेंट। तो अभी निकलते हैं, सब हमारा नीचे वेट कर रहे हैं, तो चलते हैं। पैर जम गए हैं, अब हम जा रहे हैं बीच। यहाँ पे बीच क्या सीन हो रहा है, ये पूरी सब्जी और इतनी सारी मिर्च। तो गाइस हम घर आके थोड़ा रेस्ट किया हमने और अब हम जा रहे हैं बीच। यहाँ पे एक बीच है गोमती घाट के पीछे, वहाँ जा रहे हैं। अभी दिखाते हैं आपको, देखिए अभी हम कहाँ हैं और उसके पास ये सुंदर सा व्यू। कल हम आए थे यहाँ और आज हम ऐसे घूमने के लिए आए हैं क्योंकि हमारी जो ट्रेन है ना वो 9 बजे है, तो हमने सोचा थोड़ी देर घूम लेते हैं। तो देखिए कितना प्यारा व्यू है और ये प्राची भागती हुई आई, चलो भागो। सनसेट व्यू, सनसेट होने वाला है। पूरे बीच पर मैं और मेरी बहन, सीरियसली कोई भी नहीं है ना, है और लोग यार हम दिखा नहीं रहे। बहुत तेज हो रहा है, अब क्या हुआ है, पैर जम गए हैं इसके नीचे। ये देखिए गाइस ब्यूटीफुल व्यू एंड सनसेट, और वो है गायत्री। गाइस देखिए संघर्ष, देखिए सब पत्रों में ना ऐसे सीट लगे हुए हैं। गाइस किसी को पता है कि ये किस तरह से निकाले जाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम तो बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं बट नंगे ही निकल पा रहे हैं। पता नहीं इसको निकालने का शायद कोई तरीका होता होगा, पत्थरों में चिपके हुए हैं। हम खाने गोलगप्पा, और देखिए कितने अच्छे तरीके से गोलगप्पे मिले, पानी अलग गोलगप्पे फ्लेवर्ड गोलगप्पे। सो गाइज अब हम आ गए हैं, फ्रेशन अप हो गया क्योंकि ना बहुत ज़्यादा रेत हो गई थी पैंट वगैरह में तो चेंज करने के बाद। सो गाइज घर पे आ गए हैं, मतलब होटल में आ गए हैं, बार बार घर बोल रही हूँ। आगे फ्रेशन अप वगैरह हो गए क्योंकि अब जाना है, 8:30 बजे की हमारी ट्रेन है सोमनाथ के लिए, तो अभी निकलते हैं, सब हमारा नीचे वेट कर रहे हैं, तो चल फिर जल्दी से चलते हैं। सो गाइज हम आ गए हैं द्वारकाधीश के स्टेशन पर। ये देखिए स्टार्टिंग में मैंने ये दिखाया था इंजन, और अब हम जा रहे हैं सोमनाथ। तो सोमनाथ के लिए हमारी शाम को ट्रेन है 8:30 बजे, तो बाय बाय द्वारका, अब चलते हैं सोमनाथ के दर्शन करने। कल पहुंचेंगे वहाँ सुबह 8:00 बजे। ये देखो गाइस यहाँ चल रहा है बैडमिंटन, बैडमिंटन नहीं इनके हाथ में पर ये बैडमिंटन खेल रहे दोनों। इतनी जल्दी जल्दी तो शटल कॉक भी नहीं आती। ये ट्रेन का वेट करते करते पागल हो गए हैं और यहाँ खेल रहे हैं ये बैडमिंटन बैट बॉल। वंस मोर, वंस मोर। गाइस क्या सीन हो रहा है, स्टेशन पे खड़े हैं और वो भी इतना सारा बैग लेके, सब तैयारी में। तो अब जा रहे हैं, हमारी ट्रेन आने वाली है, सोमनाथ जा रही है, तो अब चलते हैं और ट्रेन में बैठ के आपको मैं दिखाती हूँ। वेरावल जंक्शन, तो अब हम पहुंच गए हैं वेरावल जंक्शन में और अब जा रहे हैं हम अपने होटल की तरफ। तो गाइस हम अपने होटल पहुंच गए हैं, होटल नहीं मतलब ये गेस्ट हाउस है लीलावती, और अभी चेक इन नहीं हो सकता, चेक इन 12 बजे होगा, तो जैसे जैसे रूम खाली होंगे वैसे वैसे हमें रूम अलॉट होते रहेंगे, तो
अब तब तक वेटिंग रूम में है। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सो गाइस अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए और हमने गिर फॉरेस्ट की टिकट नहीं परमिट ले लिया है। क्या होता है कि गिर फॉरेस्ट जाने के लिए सबसे पहले परमिट लेना पड़ता है, उसके बाद वहाँ जाके सफारी करनी पड़ती है। तो हम सफारी बुकिंग करेंगे तो अब परमिट है ना हमारे पास, तो हम कर सकते हैं, मतलब वहीं से हमें हो जाएगा। हाँ हम वहाँ जाके भी कर सकते हैं। परमिशन मिल गई हमें। हाँ परमिट हमें मिल गया है तो अब वहाँ जाके कर लेंगे। और अगर हमें नहीं मिलता इनकेस, क्योंकि वेट लिस्ट में है हमारा नंबर, तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप गिर फॉरेस्ट घूमने आए ना, तो 3 महीने पहले से आप बुकिंग कर सकते हैं। तो जब भी आपका प्लान बन रहा है तो आप पहले से ही बुकिंग करके आए। तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में है, मैंने कॉफ़ी ली है और ताऊ जी ने और इसने लिया चाय और ये मिली है पूरी सब्जी और इतनी सारी मिर्च और ये पोहा और इतनी सारी मिर्च। तो प्राची इतनी सारी मिर्च क्यों लाई है? मिर्च खाएगी क्या? ब्रेकफास्ट इज डन। मज़ा आया? ताऊ कैसा लगा ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट कैसा था? तो ब्रेकफास्ट अच्छा था और सही मिला था लाइट और मिर्ची हमारी बच गई। सो अब चलते हैं, नहाएंगे धोएंगे उसके बाद जाएंगे सोमनाथ टेम्पल। हमें रूम मिल गया है, अभी हम जा रहे हैं औरों के रूम देखने। हम ऐसे ही करते हैं, पहले अपना रूम देख लेते हैं फिर दूसरों के रूमों को देखने जाते हैं सबके रूम्स कैसे। गंदी नज़र हमारी, व्यू जहाँ से अच्छा रहा वही वाला रूम लेंगे हम। बहुत तेज हो रहा है। मिलता कुछ नहीं है पर बच्चा समझ के ना सब हमें दे देते हैं। लो तुम्हारा रूम, लास्ट वाला रूम तुम्हारा है, ये कह देते हैं। अब हमारा रूम उधर है और इन लोगों के रूम इधर है। देखो अगर आपको रीजनेबल प्राइस में आना है, हमारा रूम नंबर पहले मैं आपको बता दूँ 528 है। सो अगर आपको सोमनाथ घूमने आना है रीजनेबल प्राइस में आपको चाहिए, तो आपको ना लीलावती ट्रस्ट फंड है इसके नाम से आप बुक कर सकते हैं। रीजनेबल प्राइस में आपको मिलेगा और ऑनलाइन बुकिंग होती है। और देखिए इंटीरियर बहुत अच्छा है, ये देखिए यहाँ पे, और ये हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम नहीं दिखा दिया। और यहाँ पे एक हमें मिरर मिला है और ये हमारा बेड, ये देखिए ये पूरा रूम है। ठीक है, ये लड़की चला रही है टीवी। और ये देखिए गाइस बैक व्यू, बालकनी भी मिली है, हर किसी को बालकनी मिली है। उस साइड हमारे 3 रूम है उसमें ही बालकनी है और इस साइड भी बालकनी है। ये है व्यू। अभी हम फ्रेशन अप हो जाते हैं क्योंकि उसके बाद हम जाएंगे घूमने। ट्रैवलर की ये बुक होती है नहीं होती है पता नहीं, बट अगर नहीं होगी तो ऑब्वियस है ऑटो से घूमेंगे। बट हाँ सोमनाथ के सोमनाथ में जहाँ जहाँ हम घूमने वाले हैं सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अभी चलते हैं, जल्दी से फ्रेशन अप होते हैं, नहाते धोते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसके बाद मिलते हैं।